वार्ड नंबर 79 जटपुरा से समाजवादी पार्टी ने पार्षद प्रत्याशी राजपाल सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्षद प्रत्याशी राजपाल सिंह के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार, महापौर प्रत्याशी जूही प्रकाश जाटव के साथ साथ तमाम अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2023 निकाय चुनाव में सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपनी कमर कसरी है। हर प्रत्याशी क्षेत्र में तूफानी जनसंपर्क से जनता का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 79 जटपुरा से समाजवादी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी राजपाल सिंह यादव के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह के दौरान समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार, महापौर प्रत्याशी जूही प्रकाश जाटव के साथ साथ तमाम अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने वार्ड का उद्घाटन किया है। राजपाल यादव जी हमारे यहाँ पार्षद के उम्मीदवार हैं और मेयर प्रत्याशी हमारी छोटी बहन जूही प्रकाश जी। निश्चित तौर पर राजपाल यादव पूर्व में भी यहाँ से पार्षद रहे हैं। जनता का प्यार आशीर्वाद इस क्षेत्र का राजपाल यादव जी के साथ साथ हमारी मेयर प्रत्याशी को भी इस वार्ड से मिलेगा। आप देख रहे हैं युवाओं का तमाम समर्थन, हमारे दोनों प्रत्याशी युवा हैं, इनको मिल रहा है। मुझे आगरा की जनता से मैं निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि इस गंदगी से निजात पाना है, हाउस टैक्स के नाम पर लूट को बंद करना है, नाली नाले जो सड़े पड़े हैं, चौक पड़े हैं, उनको खुलवाना है और आगरा का विकास करना है तो समाजवादियों को जिताने का काम करें। पूरे आगरा की जनता से ये वोट की अपील करती हूँ कि जितना समर्थन वो मुझे दे रहे हैं, मेरे हर एक वार्ड के पार्षद को दे रहे हैं, वही प्यार वो आगे तक बना के रखें और मुझे आगरा शहर से मेयर का ताज पहनाएं। देखिए राजपाल भाई पहले भी पार्षद रहे हैं इस वार्ड से और काफ़ी लोकप्रिय पार्षद हैं। क्षेत्र में उन्होंने विकास किया, काम किया है और निश्चित रूप से इस बार भी वह जीत के इस क्षेत्र को विकास करने का काम करेंगे, ये हम सभी लोग निश्चित रूप से हमारा भरोसा है। और रही बात हमारे मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश जी की, लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक गरीब और संघर्ष करने वाली व्यक्ति को टिकट देने का काम किया है और निश्चित रूप से आगरा की जनता जान चुकी है कि अगर आगरा का विकास होगा तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही कर सकती है, आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। देखिए पिछले 5 साल बिना राजपाल यादव के समस्या ही समस्या हुई है। उससे पहले जब ये पार्षद थे तो लोग बहुत खुश थे क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने कार्यकाल में कभी ये नहीं कहा कि ये मुसलमानों की सड़क है, ये हिंदुओं की सड़क है, ये पंजाबियों की नाली है। क्योंकि जो नगर निगम का जो चुनाव होता है वो होता है अपने शहर के लिए, खाली वार्ड के लिए नहीं होता, अपने शहर के लिए होता है। इसमें मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि अगर जहाँ पे शहर की बात आती है वहाँ पे जो नुमाइंदा जो तुम्हारे शहर का अच्छा है उसके साथ रहो, पार्टी के साथ साथ आदमी की शक्ल भी देखो, उसका काम भी देखो और जनता आज की डेट में बहुत होशियार हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता भी सपा पार्षद प्रत्याशी को हाथों हाथ लेती हुई नजर आ रही है। राजपाल सिंह यादव का कहना है कि क्षेत्रीय जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है, निकाय चुनाव 2023 में भारी बहुमत से साइकिल की ही जीत होगी। आज बाड़ूनियासी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इसमें माननीय हमारे शहर के बजवाजी निसार साहब, मेयर प्रत्याशी श्री जूही प्रकाश जी, हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिक श्री नजीर साहब, हमारी विधानसभा से चुनाव लड़े भाई ज्ञानेंद्र गौतम जी, दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी भाई विनय अग्रवाल जी, सभी ने, भाई नितिन कोहली जी, सभी ने एक संयुक्त रूप से हमारी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और ऐसी शुभकामनाएं दी कि मैं बाढ़ 79 पुणे जीत कर उन लोगों को मैं जीत समर्पित करूं और जनता के काम करूं। इस दौरान पार्टी के समर्थक एवं स्थानीय जनता भी सपा पार्षद प्रत्याशी राजपाल सिंह यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। यही वजह है कि राजपाल सिंह यादव अपनी जीत को लेकर काफी सुनिश्चित हैं। सी न्यूज के लिए आयुषी गौड़ की रिपोर्ट।